बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कई दिनों की अनथक मेहनत, लंदन के चक्कर और बार बार अकड़ बकड़ करने के बाद एक फैसला हो गया और नया आर्मी चीफ जो से हैं, अल्लाह के फजल से उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया और उनको स्टिक दे दी गई कि वो आइंदा 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए। कमर जावेद बाजवा साहब जो से हैं वो रुखसत हो गए और उनकी जगह जनरल आसिफ मनीर सैयद आसिफ मनीर जो से हैं वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए हैं। ये जो सफ़र था जो आर्मी चीफ की तब्दीली का, नॉर्मली तो ये एक रूटीन का सफ़र होता है और इसके अंदर जो से हैं लोग अपने टाइम से जो से हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो सीनियर होता है उसको दुनिया भर में मुंतखब कर देते हैं या 3-4 सीनियर हों उनको उनमें से एक मुंतखब होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम लोग बहुत छांझ भटक करते हैं कि ये क्योंकि हमारे दिलों में खोट हैं, ख़ास तौर पे हमारे सियासतदानों के हम कहते हैं वो ना आया, अगर वो आ गया तो हो सकता है कि हमने वो जो चालबाजियाँ करनी हैं, वो जो करप्शन करनी है, शायद ये हमें पकड़ ही ना ले। क्योंकि हालाँकि वो इनके कंट्रोल में इस तरह से होते हैं कि जो आर्मी का या डिफेंस की जो इदारा है अस्करी फोर्सेस का, ये वजारत दिफा के अंडर होता है और वजारत दिफा के ऊपर कोई भी वजीर हो सकता है जिसका ताल्लुक किसी भी काम से हो। लेकिन इस वक्त तो ख्वाजा आसिफ है। ख्वाजा आसिफ मुनासिब आदमी है, मतलब है कि वो बहुत लोगों से बेहतर है, फजलुर रहमान से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, और भी बहुत लोगों से बेहतर है। कि ख्वाजा आसिफ को के मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहता है क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे उनकी इज्जत करता हूँ कि वो एक अच्छे इंसानों में से एक है। उन्होंने वजारत खारजा का भी काम किया, फिर उसके बाद वजीर दिफा भी हैं आजकल वो, तो इसलिए कई दफ़ा वो हल्की बात भी कर देते होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये चलता है सियासत के अंदर। बात मैं ये कर रहा था कि हमारे हुक्मरान ख़ास तौर पे शरीफ बरादरान ने बहुत मेहनत की इसके लिए, एक तब्दीली लाने के लिए कि बाजवा साहब के जाने के बाद कोई ऐसा आदमी ना आ जाए कहीं वो मुशर्रफ निकल आए। तो वो बार बार आखिरी वक्त तक जो से भजन से कोई पास करके फ़ोन नहीं करते थे, वो लंदन चले जाते थे और तुर्की जाके भी फ़ोन करते थे कि पायन के मुशर्रफ ना निकल आए, कहीं ऐसे ये ना हो ऐसा कि ये मुशर्रफ जैसे ही हो, क्योंकि ये कम वो हैं, ज़्यादा बातूनी नहीं है, काम से काम रखते हैं, एक पेशेवर जनरल हैं, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे उनको खौफ और डर भी था। तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा फौजी हो, हमने तो बहुत सारे हेरा फेरी के काम करने हैं, कहीं ये ना हो कि हमें पकड़ के बिठाया हुआ उन्होंने कि भाई जन ये बताइए आप ये क्या पैसा ले गए हैं। तो बहरहाल आने वाला वक्त जो उनसे है वो आपको बताएगा। एक बात हमेशा ये याद रखें, आर्मी चीफ कोई भी आए आप ले लें, कैसा भी हो कोई भी हो, उसको उसने एक लंबा अरसा जो है, जैसे कि जनरल बाजवा ने बताया कि 44 साल फौज के साथ वाबस्ता रहे, इनकी भी जो नौकरी है वो भी जो सी है वो भी काफ़ी लंबी नौकरी अभी हो गई है और अभी नौकरी और भी कर सकते हैं, और अभी क्योंकि 86 के ये से फौज के अंदर हैं और उसके हिसाब से अभी फौज अभी इनकी नौकरी बज़ाहिर जो सी है वो अभी 3 साल और उनकी बढ़ गई है। तो ये इस तरह से इनकी नौकरी होगी, ये कोई तकरीबन जनरल बाजवा के नज़दीक इनकी नौकरी होगी। मैं अंदाज़ा नहीं लगा सका काउंटिंग में कि 86 का हुआ तो तकरीबन कोई 36 साल ये हैं और 3 साल और बढ़ा लें तो 39 ईयर हो जाएंगे इनके जो से हैं ये नौकरी के, जब ये अपना ये टर्न पूरा करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो 39 ईयर की नौकरी होगी और हो सकता है 3 साल इनके और बढ़ जाएँ तो वो फिर ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो बाजवा साहब ने 44 ईयर जो से नौकरी की, ये इनका इन्होंने जो काम किए हैं वो जैसे कि दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते रहे हैं, ये MI के अंदर भी थे और ISI में भी रहे ये, और
जिन लोगों ने ये काम किए होते हैं उनको उनका जो विजन होता है वो बहुत बड़ा विजन होता है और वो बहुत गहराई से चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि जो बहुत काबिल लोगों को इन ओहदों पे लाया जाता है ताकि वो मुल्क के उन खतरात को देख सकते हैं कि जो खतरात जौन से हैं उनको जो जो आम लोगों की नज़र में नहीं होते ये वो खतरे को देख रहे होते हैं कि वो गड़बड़ कर रहा है, तो ये चीज़ों पे उनकी नज़र होती है। तो इस लिहाज से ये उम्मीद मैं ये करता हूँ कि ये एक अच्छे जनरल होंगे। जनरल बाजवा ने अपनी आखिरी तकरीर के अंदर जो उन्होंने कल की उसने जो तरकी उसमें कहा कि मैं गुमनाम हो जाऊंगा आज के बाद जो से हैं। जनरल बाजवा को ये नहीं कहना चाहिए था, उससे बहुत सारे उनके मुखालफीन थे, उन्होंने काफ़ी उनका मजाक उड़ाया कि वो गुमनाम क्यों हो जाएंगे, हालांकि जनरल नॉर्मली कुछ अर्सा तक पिक्चर में रहते हैं। कल से सोशल मीडिया के ऊपर जो सी है उनके खिलाफ एक कंपेन शुरू हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें कही। मैं उम्मीद नहीं करता था कि कई ऐसे सहाफ़ी जो बुज़ुर्ग सहाफ़ी भी हैं, खैर हमारी तो एजों के ही हैं, वो अयाज मीर साहब ने ख़ास तौर पर कहा कि जी इनकी पहली ज़िंदगी पे भी लानत थी और आइंदा आने वाली भी लानत थी। मेरा ख्याल है कि लानते डालना एक कमज़ोर आदमी की निशानी होती है और अयाज मीर एक समझदार आदमी है और उनका मैं एक लिहाज से फ़ैन भी हूँ कि मैं उनके तजिए को बहुत पसंद करता हूँ। उनका तजिया हमेशा बामकसद होता है। लानत डालने वाले लोग जो से होते हैं अक्सर बहुत कमज़ोर लोग होते हैं, वो जब कुछ नहीं कर सकते तो ये काम करते हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर लोगों ने खैर लानत जो सी है वो कुरान मजीद का लफ्ज़ है, लानते पड़ती हैं, लेकिन इस तरह से किसी को कह देना, एक आदमी ने एक सर्विस दी है, हाँ गलतियाँ उनसे होती हुई हैं, मैं नहीं समझता कि गलती पे इतनी जल्दी लानत डाल दी जाए। थोड़ा सा वक्त आप गुजारें, आपको हो सकता है कि आंदा पता लगे कि आपने जो ये लानत डाली है हो सकता है आप गलत कह रहे हो। इमरान खान ने 4 साल के दौर में मेरा तजिया, मैंने इमरान खान की बहुत सपोर्ट करता था, इमरान खान भी नाकाम थे अपनी हुकूमत के अंदर। ये हुकूमत तो खैर है ही नाकाम बिल्कुल, वो भी नाकाम थे और उनसे भी सिमल नहीं रही थी। जिस किस्म के लोग उनके साथ थे जो उनको लूट मार कर रहे थे उनका जाना ही ज़रूरी था और उनको एक दफ़ा फिर वोट लेके आना चाहिए था, आना चाहिए। और लगता ऐसा है अब जो बसात बिछाई गई थी उसके तहत इमरान खान जितने पॉपुलर हुए हैं, इसमें भी जनरल बाजवा का ही हाथ है कि इतने पॉपुलर इमरान खान, अगर इमरान खान को ना हटाया जाता और 5-6 महीने और रह जाते तो शायद इमरान खान दोबारा सियासत में ना आते। जिस तरीके से इमरान खान का ग्राफ नीचे गिर रहा था, इनको हटाया गया और इनका उससे अवाम को अंदर एक मोहब्बत और प्यार इमरान खान के लिए बढ़ा। फिर उसके बस होने में सुहागा एक और हुआ, फिर फायरिंग हो गई, उससे लोगों के दिलों में दोबारा जगह बन गई। और तो वैसे भी लोग इमरान खान को पसंद भी करते हैं, उनकी फॉलोइंग खासी बड़ी है। तो अब जो सूरत हाल है कि बाजवा के लिए जो गाली गलौज का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह गाली गलौज करना, आपके आर्मी चीफ है, ज़रबे अज़ब भी उनको याद रखें कि उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी, जिस तरीके से दहशतगर्दी पे कंट्रोल किया, वो कभी आपको नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस पर कंट्रोल किया और पाकिस्तान के अंदर जो रोज़ाना खून खराबा होता था और रोज़ाना कत्ल वारत थी, धमाके हो रहे थे, दहशतगर्दी ख़त्म हुआ। सियासी मामले में हो सकता उनसे गलती हुई, लेकिन गलती के ऊपर गलतियाँ सबसे होती हैं। इमरान खान ने बेताशा गलतियाँ की, यूटर्न लिए, सभी ने गलतियाँ की, जो भी जितने भी लोग थे बढ़ चढ़ के लोगों ने गलतियाँ की। और बाजवा साहब के ऊपर जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने यहीया खान की सपोर्ट की, कि वो जो वाकया हुआ था 71 का 70 के जो था वो फौज की गलती नहीं थी, वो सियासतदानों की गलती थी। मैं ही समझता हूँ कि दोनों तरफ की गलती थी, यहीया खान भी कोई दूध के धुले हुए नहीं थे और हमारे सियासतदान भी दूध के धुले नहीं थे।
गलती दो शख्स की थी, एक याहिया खान थे और दूसरे जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों की वजह से हमारा मुल्क टूटा और जितना कत्लोगारत हुआ वहाँ पे ढाका में या मशरकी पाकिस्तान में, उसके जिम्मेदार ये दो ही लोग थे जिन लोगों ने कि लालच की वजह से पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और वहाँ पे बंगालियों का ना हक खून बहा और उससे वो बंगाल जो से हमसे अलग हो गया। इसमें कहीं पे भी इसके अंदर मजीबुर रहमान साहब को कभी भी कसूरवार नहीं समझता। मजीबुर रहमान का पूरा हक था पाकिस्तान पे हुकूमत करते, वज़ीर आज़म बनते, लेकिन उनसे ज़्यादती करके उनको हुकूमत नहीं दी गई। ये सियासतदान थे उस वक्त। मजीबुर रहमान का कोई कसूर नहीं था और बाद में भी कोई कसूर नहीं था। इलेक्शन जीते थे, जिसके जो जीतता है उसको हुकूमत मिलनी चाहिए। फौज ने और फौज को मशवरा देने वाला है, जो अंदर की बात थी जो जनरल बाजवा ने बताई वो यही थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो थे सियासतदान थे जिनकी वजह से ये सारी खराबियाँ पैदा हुई। बहरहाल हम ये इस बात पे हम एक इत्मीनान है कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो चेंजिंग ऑफ फोर्सेस की पावर की जो 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 तब्दीली हुई है और बड़ी पुरवकार थी और काफ़ी लोग आए हुए थे। अगर बेहतर था कि शहबाज शरीफ भी वहाँ होते और इमरान खान भी होते तो और बेहतर था। भारत को इसमें मौजूद भी थे, बाकी छोटे मोटे सियासतदान मौजूद थे जो बैठे हुए थे। ऐसे लगता था कि लावारिस लोग जो से हैं किसी जगह पे बगैर टिकट के छुप के बैठे हुए। तो ये कोई इतना अच्छा नमूना सामने नज़र नहीं आया कि वहाँ पर राणा सनाउल्ला भी बैठा था, बिलावल भी बैठा था और उनकी मरियम औरंगजेब भी बैठी हुई थी, जैसे कोई उनका कोई जिक्र नहीं था। और एक खामोशी से एक जगह पे उनको जो वी आई पी टिकट मिले थे वहाँ पे वो तशरीफ रखते थे। तो नाज़रीन, अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान का और अल्लाह करे कि नए आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए बेहतर। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।